हाई गाइस, इस पूजा गुप्ता, वेलकम टू मीडिया मेंटर। एवरी डे एटलीस्ट आई गेट 4 to 5 क्वेश्चंस कि मैम मुझे सेकेंड ईयर में कॉलेज चेंज करना है, प्रोसीजर बता दो। कुछ मैसेजेस के मैंने रिप्लाई भी किए हैं कि प्लीज़ कॉलेज जाइए, लाइक यू नो गो टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज दैट यू वांट टू चेंज। वहाँ पे जाके उनकी HOD से या फिर कॉलेज एडमिन से बात करके ये पता करो कि कॉलेज में सीट है क्या, सेकेंड ईयर कब तक शुरू हो जाएगा, ये डिटेल्स आप लेकर आओ ताकि उन्हें याद रहे कि बच्चा मेरे पास आया था। Saying guys, there is no entrance exam as such for the second year admission. होता है कुछ colleges में, मतलब आपका writing test, personal interview यही होता है। And this video is specifically, जैसे मैंने title में बताया है कि Xavier's College के बारे में, बहुत सारे बच्चे Xavier's College जाना चाहते हैं for BMM, PMS वगैरह वगैरह। So let me tell you guys, yes, you still stand a chance. सिंगल डिजिट में वहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं, बट अब तक उन्होंने कितनी सीट्स अवेलेबल है ये डिस्क्लोज नहीं किया है। फर्स्ट ईयर का एग्जाम जो है गाइस वो ख़त्म हो चुका है एंड सेकेंड ईयर का जो एडमिशन प्रोसेस है वो अभी नहीं शुरू होगा, मई एंड जून फर्स्ट वीक के लगभग शुरू हो जाना चाहिए। बिकॉज जो सेकेंड ईयर बिगनिंग है, फर्स्ट ईयर में जो अभी बच्चे थे उनका, वो जून फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो जाएगी। सो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो मई में हो जाना चाहिए। जैसे ही वो ओपनिंग आती है उनके वेबसाइट पर भी आ जाता है, एंड यू विल गेट दैट अपडेट ऑन माय चैनल कि कौन से कॉलेज में सेकंड और थर्ड ईयर का एडमिशन शुरू हो चुका है। दैट प्रोसेस आल्सो मैंने दो वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, वो आप जाके देख लेना कि क्या प्रोसेस होता है एग्जैक्टली। एप्लीकेशन सिंपल ये है कि आपको KT नहीं होनी चाहिए, आपका ऑल क्लियर होना चाहिए दोनों सेमेस्टर, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। एंड यस इंडीड HSNC से MU, MU से HSNC तभी पॉसिबल है जब कॉलेज अप्रूव करता है, मतलब कि कोई कोई केस में ही पॉसिबल है। लाइक ऑल द कॉलेजेस फ्रॉम MU विल नॉट बी एबल टू शिफ्ट टू HSNC अगर आपको KC या HR में जाना है तो। एट द सेम टाइम Xavier's विल प्रेफर ऑल द MU स्टूडेंट्स, मतलब कि अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो यस बीट रू या बीट जय हिंद, मतलब जस्ट सेइंग कि कोई भी अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो यस MU विल बी प्रेफर्ड ओवर एनी अदर यूनिवर्सिटी। और भी डिटेल्स अगर आपको कॉलेजेस में क्या चल रहा है वो जानना है तो मैंने 4 एपिसोड डाला है, कॉलेज इनसाइट करके एक हमने शो किया था। आई स्पोक टू स्टूडेंट्स फ्रॉम सेवरल कॉलेजेस, स्पेशली टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ मुंबई, जैसे BMS, BMM, FTNMP, इनका मैंने वीडियो डाला है। अगर आपको और डिटेल चाहिए कॉलेज चेंज करने के पहले तो आप प्लीज वो जाके देख लीजिए। ऑल्सो गाइज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि विल्सन कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा खराब रिव्यू आ रहा है ये साल। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग प्लीज मैम आप बच्चों को अवेयर कर दीजिए कि विल्सन कॉलेज में एडमिशन ना ले, देयर इज लॉट ऑफ मैनेजमेंट इश्यूज दैट स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू। BMM हैज बिकम वर्स्ट डिपार्टमेंट बिकॉज उनके लेक्चर्स ही नहीं हो रहे हैं, दे आर लिटरली अनॉयड। कुछ बच्चों ने तो डोनेशन देके वहां पे एडमिशन लिया, दे आर लिटरली लाइक मैम ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। सो जस्ट अपडेटिंग यू गाइज दैट इफ यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू विल्सन लीविंग एनी ऑफ योर कॉलेज, प्लीज डू नॉट प्लान दैट, इट इज नॉट वर्थ इट अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। आप अपने आप से भी जाके पता लगा सकते हो कि मतलब कुछ बच्चों से बात करो, आपको अपने आप रिव्यू मिल जाएगा। करंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज रहेगा गाइज, यू हैव 2 months नाउ, प्लीज़ गो एंड डू इंटर्नशिप। फॉर FYs आई वुड सजेस्ट आपके एग्जाम अभी होने वाले हैं, प्लीज़ प्रिपेयर फॉर ऑफलाइन एग्जाम। पेपर पैटर्न अब तक यूनिवर्सिटी ने कन्फर्म करके नहीं दिया है, ऑटोनॉमस कॉलेज तो आपको अपनी कॉलेज बता देगी, बट MU में बोला गया है कि शायद अभी MCQs आएगा इन योर रिटर्न पेपर के लिए, लाइक 10-20 मार्क का। जैसे ही वो अपडेट आ जाता है, कन्फर्मेशन रिगार्डिंग योर पेपर पैटर्न, आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड, सो प्रिपेयर फॉर दैट। आफ्टर दैट यू विल गेट 1 month, I would suggest please do some certification program, मतलब कि कुछ skills सीखो अगर certification में पैसे नहीं डालने हैं, still learn some editing softwares, digital media marketing, something you learn which will help you. तो second year में जब आप internship ढूंढने जाओगे तो आपको experience से ज़्यादा skill पूछा जाएगा, उस पर भी एक detailed video है जो मैंने परसों ही डाला है, please go and check it out, it will help you for sure. I hope guys the video was helpful. For more such informative videos, you know, stay tuned to my channel and don't forget to like, share and subscribe.